बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर राजकीय सम्मान के साथ जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आज जोड़ी समेत सभी पार्टियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है। भीमराव अंबेडकर जयंती के बहाने सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने में लगी है। सभी राजनीतिक दल अपने को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने की बात कहती है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर राजकीय सम्मान के साथ जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया और ट्वीट कर कहा कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने वाले श्रेष्ठ चिंतक, लेखक, वक्ता, विधि विशेषज्ञ के धनी डॉक्टर अंबेडकर का जीवन समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम ने भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और कहा कि भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को हमें अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। दिल्ली से खबर, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने राज्य प्रभारी भक्त चरण दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों से वाले से जो खबर है उसके मुताबिक दिल्ली में मदन मोहन झा ने अपना इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि भक्त चरण दास के साथ बैठक के बाद मदन मोहन झा ने इस्तीफा सौंपा है। रोहतास जिले में पिछले चार सालों से फरार चल रहा कुख्यात नामी नक्सली विजय आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतास तथा औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समहुता के पास से नक्सली को गिरफ्तार किया है। साथ में इसका शागिर्द नक्सली उमेश चौधरी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि विजय आर्य गया के कोच थाना क्षेत्र का रहने वाला और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर तथा रोहतास जिला में कई नक्सली वारदातों में इसकी संलिप्तता रही है। यानी नामी नक्सली पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाके में अपने संगठन को विस्तार करने में लगा था। इसके पास से टैब, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, नक्सली पर चार लेवी की रसीद, भाकपा माओवादी का लेटर हेड के अलावे कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। रोहतास के एफी आशीष भारती ने बताया कि लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक नक्सली वारदातों में इसकी संलिप्तता रही है। सहरसा के सरदा थाना क्षेत्र के रामपुर तिलावे नदी के समीप से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। वही घटनास्थल से बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। मृतक के शरीर पर गोली लगने के निशान मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान दिनेश यादव के रूप में की गई है, जो सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर का रहने वाला था और सहरसा में रहकर मत्स्यगंधा स्थित प्राइवेट स्कूल चलाता था। पटना सिटी में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खाजकेला थाना क्षेत्र के पादरी की हवेली चर्च के पास की है। मृतक युवक की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई है, जो दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। अमन की हत्या के पीछे पुलिस पुरानी रंजिश मान रही है। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। खगड़िया के मानसी थाना इलाके के कन्या एनएच 31 के पास दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मजदूरों से भरी पिकअप के पलटने से एक महिला सहित दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आठ मजदूर घायल हो गए। सभी घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर मोकामा के कर्रा से दलहन फसल की कटाई करके पिकअप से करुआ मोड़ आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। मानसी पुलिस ने चालक को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया। जहानाबाद के परसबिगा थाना क्षेत्र के करौता गांव में अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि परिजन के दबाव में आकर उस व्यक्ति को पीएमसीएच रेफर किया गया। इस घटना का कारण आपसी दुश्मनी बताया जा रहा है। यह व्यक्ति कई कांडों का अभियुक्त भी रहा है। लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण इसकी हत्या हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। भोजपुर जिले में अब पुलिस का एक बाल खत्म होते दिख रहा है। पिछले दो दिनों के अंदर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
ताजा मामला आरा नगर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ मोहल्ले का है, जहां आरा प्रखंड के आरजेडी अध्यक्ष बटेश्वर यादव को अपराधियों ने गोली मार दी, जिनको गंभीर हालत में इलाज के लिए बाबू बाजार स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में सतुवानी त्योहार को लेकर पटना के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। गंगा स्नान के लिए सुबह से लोग गंगा घाटों पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से लोगों को गंगा के घाटों पर जाने से रोक लगी हुई थी। गिरिडीह में सिख समुदाय ने धूमधाम से वैशाखी पर मनाए। रेलवे स्टेशन के समीप गुरुद्वारे में एक विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें पंजाब के पटियाला से आए भाई जसकरण सिंह और उनके जत्थे की ओर से गुरु कीर्तन गुरुबाणी सुनाया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि सिखों के पग की एक अलग पहचान है, सिखों को अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अपने धर्म का पालन बखूबी करना चाहिए। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मावलंबियों ने शिरकत की और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। बगा में फिर एक बार बेमौसम बारिश के साथ ओला और तूफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बगा के सेमरा में बारिश के साथ अचानक तेज हवा चलने लगी। सिद्धवान कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। सप्ताह में दूसरी बार ओलावृष्टि और तूफान ने किसानों के रबी फसल के साथ ही आम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। विदेशी शराब तस्करी कर नवादा लाने के आरोप में एक महिला को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशिष्ट न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने नवादा नगर के लाल चौक मेन रोड निवासी सुषमा कुमारी और खुशबू कुमारी को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2018 की रात्रि आरोपित महिला बस पर सवार होकर झारखंड के कोडरमा की ओर से नवादा आ रही थी। जिला अंतर्गत राजौली स्थित समय के जांच कर विभाग के अधिकारी ने बस की जांच की तो जहां महिला के बैग से शराब के 20 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया था। नवादा के गोविंदपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। नवादा जिले के गोविंदपुर थानाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किया। अधिवक्ता संघ के महासचिव संत शरण शर्मा ने कहा, अधिवक्ता दिनेश प्रसाद के साथ मारपीट किए जाने के आरोप में गोविंदपुर थानाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मामले का सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें दारोगा को न्यायालय में आरोपी उपस्थित होना अनिवार्य था। दारोगा के अनुपस्थित होने पर अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बगा के रामनगर में पुलिस ने संयुक्त रूप से शराब तस्करों के ठिकाने पर सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान टीम में बगा एएसडीएम सरफराज नमाज और एसटीएफ के जवानों ने शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की। रामनगर के अधांगा टोली में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला, जिसमें छापेमारी कर अर्धनिर्मित चुलाई शराब को नष्ट किया गया। साथ ही नगर के भगत सिंह चौक पर आने जाने वाले दर्जनों लोगों को ब्रेथ एनालाइजर से जांच भी किया गया। गुमला के बड़ा रायक मोहल्ले में अज्ञात अपराधियों ने पीट पीट कर एक दिव्यांग को अधमरा कर दिया, जिसके इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में मौत हो गई। अब तक मृतक बता दें कि मृतक की जो उम्र है वो करीब 42 से 45 साल के बीच की बताई जा रही है। रांची में गर्मी का टूट सकता है रिकॉर्ड। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 12 से 4 बजे तक घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड की राजधानी रांची में इतनी गर्मी पड़ रही है। रांची में 56 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। रांची का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में सूखा रहेगा, बारिश होने के आसार कम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दिन के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से निकलने से बचे, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। राजधानी में हीट वेव के कारण 40% तक अस्पताल में बुखार उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ गई। अस्पताल में हर दिन 20 से 25 बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं। फिलहाल लोगों को हीट वेव से राहत नहीं मिलेगी।
जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पार कर चुका है। तपती धूप पर बेहाल करने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वह स्कूली छात्र छात्राएं गर्मी से काफी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे तपती धूप में घर पहुंच रहे। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे लू की चपेट में आ चुके हैं। उधर अब अभिभावक के साथ राजनीतिक पार्टी सामाजिक संस्थाएं भी जिला प्रशासन से मांग करें कि स्कूल के समय में परिवर्तन किया जाए। तपती धूप के कारण बच्चे लू का शिकार हो रहे हैं।